58 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार से सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक बाजार खुले रहे। रात्रि 9 बजे से सुबह 7 तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान पुलिस नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराते हुए लोगों का चालान करते नजर आए, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी इस महामारी से छुटकारा मिल पाएगा। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ठीक जा रहा है सर। कहाँ से आ रहा है? आ रहा है इंटर स्टेशन से। कहाँ जाएंगे आप? रूम पे जाना है। कहाँ रूम? अरे सर हम लोग को लेट हो गया थोड़ा, हम जान रहे हैं। हम मास्क लगाए हो ना, हेलमेट लगाए हो, तीन लोग बैठे चल रहे हैं। कहाँ से एक अच्छा काम फुल कर रहे हो तो बताओ। गाड़ी वो हम नहीं कर रहे सर, आप तीन लोग बैठे हो सर, वही बता रहे सर। और बिना मास्क के बिना हेलमेट के यार क्या मतलब है तीन आदमी? अपनी लाइफ को बचाने से बढ़कर की कौन सी जल्दीबाजी है भाई? मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है भाई। ये रात्रि में 9 बजे से कर्फ्यू लागू है और 28 पॉइंट्स पर बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही है और ट्रैफिक डाइवर्जन की स्कीम भी लागू की जा रही है। सभी SHO, CO's और सब इंस्पेक्टर क्षेत्र में निकल के इसका अनुपालन कराएंगे। जनता से अनुरोध है कि अपने घरों में ही बने रहें और अगर बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। अपने दुकान और अपने जो भी कार्यालय में कार्य वगैरह समाप्त कर 9 बजे के पहले अपने घरों तक पहुँच जाएँ। देखिए संभावना बनी हुई है, कई राज्यों में संख्याएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए हम सबको और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। रात्रि कर्फ्यू का पालन तो करें ही, परंतु दिन में भी मास्क सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करते रहें। कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ये कभी भी दोबारा वापस आ सकता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब प्रिकॉशन लें और इससे लड़ने में एक दूसरे की मदद करें।